क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट सीआईयू का प्रमुख बनाया गया मतलब जिनका पास्ट ऐसा था ऐसे व्यक्ति को सीआईयू का प्रमुख यह सरकार ने बनाया और उसके बाद आप देखिए मुंबई में जितनी हाई प्रोफाइल केसेस हुई जुरिस्डिक्शन किसका भी रहे कोई भी जुरिस्डिक्शन रहा तब भी वो केस सीआईयू के पास आती थी किसी भी रीजन का जुरिस्डिक्शन रहे तब भी केस सीआईयू के पास आती थी अभी यह भी केस ये सीआईयू के पास आने का कोई कारण नहीं थी वो रीजन के पास जानी चाहिए थी लेकिन सारी केसेस और विशेष रूप से फिर वो बादशाह रैपर वाली केस हो चाहे ऋतिक रोशन वाली केस हो ऐसे सारी केसेस ये सीआई यूनिट को ही दी जाती थी और इनका कद ये सीपी के बाद अगर किसी का कद मुंबई पुलिस में था तो सचिन वाजे का था क्योंकि सीएम के ब्रीफिंग के समय भी वो नजर आते थे मंत्री के समय भी वो नजर आते थे और शिवसेना के कुछ मंत्री हैं उनके साथ भी वो नजर आते थे तो एक बड़ा कद उनको वहां दिया गया और हमको तो यह बिल्कुल स्पष्ट रूप से रखता है कि एक प्रकार से वहां सीआईयू के प्रमुख के रूप में नहीं वसूली अधिकारी के रूप में उनको बैठाया गया और बड़े पैमाने पर मुंबई में डांस बार चलाने को खुली छूट और सबके इंचार्ज ये और ऐसे में ये जो सारी घटना घटी ये भी घटना इतनी भयानक है मनसुख हिरन इनको ये पहले से जानते थे और ये जो गाड़ी है स्कॉर्पियो ये स्कॉर्पियो मनसुख हिरन से इन्होंने खरीदी थी लेकिन पेमेंट नहीं किया था और चार महीने तक इनके पास ये गाड़ी थी नवंबर से लेकर तो फरवरी तक और फिर मनसुख ने इनको कहा कि भाई आप या तो इसका पेमेंट कंप्लीट कर दीजिए या फिर गाड़ी वापस दीजिए तो उन्होंने कहा मैं और कुछ दिन रखूंगा उसके बाद वो गाड़ी उनके पास लाकर दी और फिर उनसे वापिस वो गाड़ी मंगाई गई जिस दिन ये गाड़ी मुलुड़ में उन्होंने वहां पर जहां पार्क की उन्होंने उस दिन आप देखिए ये गाड़ी में अगर ये गाड़ी चोरी होती तो कहीं ना कहीं कोई टेम्परिंग होता कोई दरवाजा जो लॉक है उसको खोला जाता है सब कुछ नहीं था क्योंकि जानकारी के अनुसार मनसुख को यह कहा गया था कि भाई वहां पार्क करो और चाबी लाकर हमको दो और सीधे वो चाबी ये सचिन वाजे ने ली उनको कहा कल जाकर आप एक कंप्लेन रजिस्टर कीजिए कि मेरी गाड़ी चोरी हुई है और वो जब कुरला पुलिस स्टेशन गए तो उनकी कंप्लेन ली नहीं जा रही थी क्योंकि कई बार पुलिस ये कहती है कि दो तीन दिन रुकिए, उसके बाद हम रजिस्टर करते हैं एक बार हम देख लेते हैं तो वहां पर जो आयो थे या जो वहां पर ड्यूटी ऑफिसर थे तो सचिन वाजे का फोन आया और उन्होंने कहा कि तुरंत अभी के अभी यह क्राइम रजिस्टर करिए और रजिस्टर होने के बाद मुझे इतना दीजिए इतला उनको देनी पड़ी तो यह सोची समझी साजिश के तहत मनसुख हिरण को उसके बाद किसी और ने इंट्रोगेट नहीं किया तीनों दिन मनसुख हिरण को वाजे ही इंट्रोगेट कर रहे थे और उनके इंट्रोगेशन के बाद मनसुख को वाजे ने ही यह बताया कि भाई तुमको और एजेंसीज इंटरोगेट कर सकती है इसलिए एक कंप्लेंट कर दो और अपने पहचान के लॉयर के पास वो खुद मनसुख को लेकर गए और मनसुख से कंप्लेंट करवाई कि मुझे अलग अलग लोग बुलाते हैं मेरी बड़े पैमाने पर मुझे पुलिस से तकलीफ है और अपना भी नाम उसमें डलवा दिया और वो सीएम को भेजा वो गृहमंत्री को भेजा तो इसका मतलब एक प्रकार से सारी ये तैयार हो रही थी और जिस दिन मनसुख को रात में एक फोन आया कि गावड़े ने आपको बुलाया है और उनको जिस इलाके में बुलाया वो वही इलाका है जिस इलाके में सचिन वाजे के ऊपर एक्सटर्शन का केस लगा है उसी इलाके में उनको बुलाया गया और उसके बाद दूसरे दिन उनकी लाश मिली और हमारा तो यह मानना है कि मंसूख हिरण को वहीं पर मार दिया गया मारने के बाद उनकी लाश खाड़ी में फेंकी गई और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है हाई टाइड में उसको फेंकने की कोशिश हुई अगर ये लाश हाई टाइड में फेंकी जाती तो ये वापस ही नहीं आती तो यह होता कि मंसूख हिरेन ये पुलिस के दबाव में या पुलिस जो बार बार पूछताछ कर रही है उससे नाराज होकर कहीं भाग गए मैंने दो महीने बाद ये बात ठंडी हो जाती आधे घंटे का डिफरेंस आया उनके कैलकुलेशन में और हाई टाइड की जगह लो टाइड आया आधे घंटे के कारण मनसुख हिरन इनकी जो लाश है वो वहीं पर रही वो बहकर नहीं गई अभी कुछ थियरीज लाने की कोशिश की जा रही है लेकिन कुल मिलाकर अगर हम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को देखें, तो इसमें ध्यान में आता है कि ये इतने रुमाल उनके मुंह में कैसे आए एंटी मॉर्टेम इंजुरीज ये ऐसी जगह पर है कि जिससे बिल्कुल स्पष्ट रूप से यह दिखता है कि कहीं ना कहीं बहुत दबा के बांधा गया है उनका दम घुटे इतना वो रुमाल और सारी चीजें बांधी गई है और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैंने देखा उसमें उनके लंग्स में पानी नहीं आज मीडिया में मैं कोई रिपोर्ट देख रहा था कि कोई और टेस्ट है और लंग्स में पानी पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके लंग्स में पानी नहीं है और ऐसा हो ही नहीं सकता अगर पानी में गिरकर वो मरे तो लंग्स में भरपूर पानी होना चाहिए लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ता तो सीधा मतलब यह है कि उनकी हत्या हुई है और हमारी मांग ये है अभी तो एन आई यह बम विस्फोट या वो जो जिलेटिन वाला मामला है उसकी जांच कर रही है और उसी में उनको अरेस्ट किया है और हत्या का मामला या मनसुख के मौत का मामला जो है यह अभी भी एटीएस के पास है मुझे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है पर उसमें जिस प्रकार से एटीएस ने कार्रवाई करनी चाहिए ऐसी कार्रवाई होती हुई दिखती नहीं है क्योंकि इतने सारे एविडेंस मेरे जैसे पुलिस के बाहर के व्यक्ति को अगर मिल सकते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि पुलिस के पास इससे ज्यादा एविडेंस है और इतना ही नहीं तो एटीएस और एनआईए ये दोनों के पास कुछ ऐसे टेप्स हैं जिसमें मंसूक की आवाज है और जिसमें वाजा ने उनको क्या क्या कहा है इसकी पुष्टि भी होती है तो इतने सारे एविडेंस होने के बावजूद अभी भी जो उनके मौत की केस है उसमें एटीएस एटीएस की ओर से शुरुआत में कुछ एक्शन दिखा उसके बाद एक्शन दिखाई नहीं पड़ता अब हमारी मांग तो यह है कि चूंकि ये कनेक्टेड मामला है वैसे तो पहली कार्रवाई एटीएस ने करनी चाहिए थी और उनको ये हत्या के मामले में अरेस्ट करना चाहिए था और उसके बाद उनकी कस्टडी एन को जानी चाहिए थी लेकिन ए ने उसमें देरी की है और अब कनेक्टेड मामले में हम तो ये मानते हैं कि अब हत्या का मामला भी चूंकि ये कनेक्टेड मामला है और वो सबसे बड़े इसकी कड़ी है मनसुख हिरन जो है इसलिए वो मामला भी अब एन को टेक को टेकओवर कर लेना चाहिए और उसमें भी जो सबूत आज एन के पास है या एटीएस के भी पास है मैं कोई एटीएस पर अविश्वास नहीं दिखा रहा पर कहीं ना कहीं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या एटीएस पर कोई दबाव है मैं दबाव है ऐसा मेरा कहना भी नहीं है पर जिस प्रकार के एक्शंस होनी चाहिए वो होती हुई मुझे दिखाई नहीं पड़ती और इसलिए अगर ऐसी बात है तो कनेक्टेड मामला एन को जाना चाहिए और तुरंत इस मामले में भी और मेरा मानना ऐसा है कि इस मामले में ये जो सारा घटनाक्रम है ये अकेले सचिन वाजे नहीं कर सकते और इसलिए इसमें कौन कौन है इसका भी विचार कि निश्चित रूप से किया जाना चाहिए कुल मिलाकर मुझे यह दिखाई पड़ता है कि फेलियर ऑफ पुलिस नहीं है यह फेलियर ऑफ गवर्नमेंट है क्योंकि सरकार ने ऐसे व्यक्ति को जिनका पास्ट पता है क्या है उसके बावजूद इतनी इंपॉर्टेंट जगह पर बैठाया इसका मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज सरकार की है कि जिस चीज के कारण उनकी मजबूरी है कि उनको बैठाना है और जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको डिफेंड कर रहे थे सरकार जिस प्रकार से हाउस में उनको डिफेंड कर रही थी अगर इतने सबूत मेरे पास नहीं आते तो शायद उसको तो महात्मा ही ठहराया जाता क्योंकि सवाल पूछा जा रहा था कि ये क्या ओसामा बिन लादेन है इस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे थे तो इसलिए मुझे लगता है कि कुल मिलाकर इस मामले की तह तक जाना होगा और जिन इंटरेस्ट के साथ जिन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको वहां लाकर बैठाया सरकार की ओर से उससे इसका क्या तालुकात है उससे इसका क्या संबंध है यह भी हमारी जांच एजेंसी को ढूंढना पड़ेगा ऐसा मेरा मानना है आप लोगों के कुछ सवाल हो तो पूछ सकते हैं देवेंद्राशर देखिये उद्धव जी ने मुझसे फोन पे बातचीत की थी उस समय और उनके जो कुछ प्रमुख मंत्री थे वो मेरे पास आए थे नीरज एबीपी न्यूज हाय एवरीवन, प्रीति चौधरी है होप यू लाइक दिस वीडियो फॉर लेटेस्ट न्यूज एंड एनालिसिस Like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.